स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्सप्लोर द न्यू में। तो अभी हम निकल चले हैं आगे सिसवां डैम से, अब आगे चलते हैं लुटरू महादेव मंदिर। हम जा रहे हैं सिसवां डैम से बद्दी वाले रोड पर, लेकिन ये हमारा डिसीजन बहुत गलत था। इतना गंदा रास्ता, बुरे हाल, कच्ची रोड, ये रोड ऐसी है जहाँ पर स्पीड ब्रेकर तो दिखाई नहीं देते। एकदम से गाड़ी उछलती है तब पता चलता है यहाँ पर स्पीड ब्रेकर थे। अब पहुँच चुके हैं हम बद्दी शहर, इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया। क्या ज़बरदस्त वहाँ पर इंडस्ट्री है, चारों तरफ फैक्ट्री ही फैक्ट्रियाँ हैं। तो चलते हैं बद्दी से आगे लुटरू महादेव मंदिर। तो इस बार गाड़ी मैं नहीं चला रहा था, हमारे साले साहब चला रहे थे। अब सुनो उनके बारे में जो गाड़ी के अंदर बैठे थे क्या बोल रहे हैं। बहुत हौली हौली चलाना पै रहा है, ढाई जा रहे हैं तो और इतना देर चलाना, हाँ और कितनी देर चलानी है। बत्ती की तरफ से इतना गंदा रोड था ना, यहाँ पर तो 30-35 क्या 20 की स्पीड पे गाड़ी चलानी पड़ रही थी, इतना गंदा रोड था। अभी सीढ़ी नुमा खेत तो देख लिए, अब रोड भी देख लो, रोड भी किसी खेत से कम नहीं थी। आप लगा लो कहाँ पर पक्की रोड है, कहाँ पर कच्ची रोड है। पानी भर लेने से नेचुरल पानी भरते हैं आज। नहीं मेरे को ये नहीं सोचा, लोग ना हिमाचल में आ गए ना कहीं मिनरल वाटर बोतल खरीदते हैं, हिमाचल में लेनी नहीं पड़ती मिनरल वाटर, वहाँ का पानी वैसे ही नेचुरल है। हाँ ये देखो नेचुरल मिनरल वाटर भरा जा रहा है, पानी पूरा ठंडा। पर पतली पाइप है यार, वो पानी वाली है, तो पानी वाली पर ये नीचे घर घर नहीं है। गाड़ी की धूल उठाते हुए निकल लिया गए लुटरू महादेव मंदिर। जय भोले शंकर। बढ़िया बस ने गाना है। चंडीगढ़ से लुटरू महादेव लगभग 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अगर आप धर्मपुर की तरफ से जाते हो तो 87 किलोमीटर है। अगर आप जहाँ से हम जा रहे हैं, हालांकि यहाँ से ना जाना, बहुत गंदा रास्ता है ये, हम गए थे बद्दी की तरफ से क्योंकि सिसवां डैम गए थे, यहाँ पर 87 किलोमीटर है। अगर आप जाओगे धर्मपुर की तरफ से तो 90 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन रोड आपको बढ़िया मिलेगी। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हो तो इस रोड से जाएं, अदरवाइज आप धर्मपुर की तरफ से जाएं। तो अभी आपने सुना होगा इस रोड के बारे में, ये रोड नींद नहीं आने दे रहा क्योंकि इस रोड पे इतने खड्डे हैं, इतना खराब रास्ता है। नींद क्या, आदमी तो बस यही सोचता रहेगा भी रोड कब खत्म होगा। तो अभी हम सिसवां डैम से चलते हुए पहुंच गए हैं रास्ते में एक जगह, हमने ब्रेकफास्ट किया, भूख लगी थी, हमने सोचा खाना खा लें। इसके बाद हम चलेंगे आगे लुटरू महादेव टेंपल, यहाँ का ब्रेकफास्ट जबरदस्त था, स्वाद आ गया ब्रेकफास्ट करके। अब इस ड्राइवर ने हमें इतना तंग किया ना, इतनी तेज़ गाड़ी चलाई, आगे बैठे तो ठीक थे बंदे, लेकिन पीछे वाले बंदों का बुरा हाल था। अभी हम पहुंच गए हैं अर्की शहर। अब मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी गाड़ी चला रहे थे, जो ड्राइवर थे, वो मेरे साले साहब हैं। तो कहते हैं ना, सारी खुदे एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। तो अभी हम अर्की शहर पहुंच गए हैं,
आपको दिखाते हैं यहाँ पर अभी चल रहे हैं भोले शंकर के दरबार, लुटरू महादेव के मंदिर। अभी आपको लुटरू महादेव मंदिर की हिस्ट्री भी बताते हैं। हिमाचल के देवों में भगवान शिव के अनेकों मंदिर हैं, उनमें से एक है लुटरू महादेव, एक सुंदर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ये मंदिर अर्की जिला सोलन में 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हिमाचल की देवभूमि में भगवान शिव के अनोखों मंदिर हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस रास्ते पर कभी ना आएं। अगर आना है लुटरू महादेव तो आप धर्मपुर वाले रास्ते से आएं। ये रास्ता इतना गंदा है, गाड़ी चला के गाड़ी में बैठने वालों की बस होगी, बुरा हाल हो गया गाड़ी चला चला के और गाड़ी में पीछे बैठ के झटके खा खा के। लुटरू महादेव का मंदिर अद्भुत गुफाओं वाला मंदिर है। प्राचीन लुटरू महादेव मंदिर एक चमत्कार की तरह है। अरुग्य चट्टानों से निर्मित गुफा की लंबाई पूर्व पश्चिम की तरफ से 25 फीट और उत्तर दक्षिण की तरफ से 42 फीट है। गुफा की ऊंचाई तल से 6 फीट और 30 फीट तक है। देवभूमि के इस मंदिर को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इस मंदिर से जुड़े कई चमत्कार भी दुनिया भर में विद्यमान हैं। इन्हीं में से एक है शिव द्वारा सिगरेट पीना। बहुत बड़ी बड़ी अखबारों में आता है, पेपर में आता है कि इस मंदिर में भांग की सिगरेट चढ़ती है, लेकिन ये सब गलत है, सब झूठ है। मैं खुद इस मंदिर में गया हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप बस सच्चे मन से जाओ, भगवान की पूजा करो, भोले शंकर की पूजा करो, आपकी सब इच्छाएं पूरी होंगी। ये है ऊपर भोले शंकर का दरबार। जय भोले बम बम भोले। अभी हमने गाड़ी खड़ी कर दी है पार्किंग में। क्या खूबसूरत नज़ारा है, आसपास का दृश्य जबरदस्त है, मन मस्त हो गया ये दृश्य देख के। अभी तो हम पार्किंग की गाड़ी, अब भोले शंकर के दरबार में जाएंगे तो वो दृश्य देखने वाला होगा। ये देख के मैं तो, मेरे मन में लग रहा था बस जल्दी जल्दी भोले शंकर के दरबार में पहुंच जाएं। ये कितना पुराना और बूढ़ा बरगद का पेड़ है। पार्किंग करने के बाद लगभग अराउंड हमें 10 से 15 मिनट लगते हैं ऊपर भोले शंकर के दरबार पहुंचने में। ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन चलते चलते धीरे धीरे आसपास का नज़ारा देखते हुए हम पहुंच गए भोले शंकर के दरबार। तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग लेह लद्दाख जाते हैं घूमने के लिए हिमाचल में, तो एक बार वो लुटरू महादेव मंदिर ज़रूर आएँ, जो कि चंडीगढ़ से सोलन के रास्ते में स्थित है। अगर आप शिमला जाते हो चंडीगढ़ से तो रास्ते में आती है एक जगह धर्मपुर, धर्मपुर से लेफ्ट साइड को मुड़ के आगे जगह आती है लुटरू महादेव, तो यहाँ पर एक बार ज़रूर रहें। ये एक अद्भुत जगह है, मन के अंदर शांति आती है इस गुफा के अंदर जाते ही। क्या भव्य दृश्य है इस गुफा का, अंदर जाते ही मन के अंदर शांति पड़ जाती है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस ज़रूर फूल रही थी, लेकिन मन था भोले शंकर के दर्शन करने हैं। जय भोले शंकर। आप इतनी दूर घूमने जाते हो, कभी शिमला कभी मनाली, कम से कम इस जगह ज़रूर रहो। अंदर आते ही अगर जब वहाँ माथा टेकोगे तो आपको ऐसे लगेगा क्या दिव्य दृश्य और क्या दिव्य दर्शन हुए हैं भोले शंकर के। जय भोलेनाथ। और ये है गुफा के बाहर का दृश्य, क्या मनमोहक दृश्य है, देखे मन प्रसन्न हो गया। क्या ज़बरदस्त हवा चल रही थी। तो दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर हिमाचल घूमने आते हो तो एक बार लुटरू महादेव मंदिर ज़रूर आएं। जय भोले, जय भोले शंकर। तो यहाँ पर भोले की कृपा से एक बिल्ली मिल गई जो कुछ खाने की चाहत में थी। हमारे साले साहब ने उनको बिस्किट खिलाए, देखो क्या आराम से बिस्किट खा रही है, ना कुछ तंग कर रही है ना काट रही है।
ये सब भोले शंकर की कृपा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जुड़े रहें हमारे साथ। जय भोले शंकर, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले इसी पार्ट के अगले व्लॉग में, जहां पर आपको एक नई गुफा दिखाएंगे। तब तक के लिए जय भोले।